नृत्य यानी डांस किसी भी फॉर्म में हो, देखने वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट जरूर करता है। हर डांस फॉर्म कहीं ना कहीं अपने कल्चर और परंपरा से इंस्पायर्ड है। ऐसा ही एक डांस फॉर्म जो हमारे भारत के इतिहास को अपने विशाल और दिव्य रूप से कई सालों से अपने अलग अंदाज में लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, कथकली। भारत की उन प्राचीन कलाओं में से एक है जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई, न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व भर में आज मशहूर है। कथकली का मतलब है नृत्य नाटिका यानी कि डांस ड्रामा। इस डांस ड्रामा में हिंदू माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स का विवरण होता है, जिसमें राम, कृष्ण और रावण की गाथाएं प्रमुख हैं। कथकली का बेस जो है शुरू हुआ है महाभारत और रामायण की स्टोरी से। उस स्टोरी के बाद में अब जो है कथकली हर एपिक्स का या हर स्टोरी को कथकली का रूप में परिवर्तित कर करके पेश किया जाता है। जैसे कि बाइबल का स्टोरी है डेविड एंड गोलियत, लेडी मकनल्लम, शलोमी आदि, और शेक्सपियरियन ड्रामा में मैकबेथ, ओथेल्लो, और उसके बाद में फ्रेंच, ग्रीक, जापानीज, फिनिश ड्रामा को भी जो है कथकली में परिवर्तन किया है। मेकअप और कॉस्ट्यूम्स एक अहम हिस्सा हैं कैरेक्टर्स की पहचान के लिए। हर कैरेक्टर के लिए एक अलग रंग है। कॉस्ट्यूम्स कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। लय बद्ध ताल पर इन कलाकारों का जोश एक आध्यात्मिक माहौल की शक्ल ले लेता है। कथकली के में कलाकार बोलते नहीं हैं, इनके मेकअप से, उनके कॉस्ट्यूम से, उनके अदाओं से जो है कलाकार अपने बात ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। इसमें हर कैरेक्टर का अलग अलग वेश और अलग अलग मेकअप होता है। हीरो या नायक का जो रंग होगा, फेशियल रंग होगा, वो हरा है, और खलनायक या विलन का रंग जो है कत्ती होता है। उसके बाद में जो डेमोन या राक्षस का जो वेश होता है वो काला होता है, और ऋषि मुनि या बुजुर्गों का जो रंग है या उनका जो मेकअप है दाढ़ी होता, दाढ़ी से होता है, और स्त्री कथापात्रों के लिए ये ग्लिटर यूज़ किया जाता है। चेहरे के छोटे बड़े भाव, भावों की गति, आँखों का संचलन, गाल, नाक और ठोड़ी की मुद्राओं से ये कलाकार कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं। डेडिकेशन और कड़ी मेहनत का सही उदाहरण है कथकली, जिसे सीखने के लिए काफी वक्त लगता है, लेकिन इसके विशाल रूप को जानने और सीखने की चाह देश विदेश से आए लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, इसको जो बहुत ज़्यादा चेंजेस या मॉडर्नाइजेशन की संभावना नहीं है, लेकिन इसका लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रहा है। जो आर्ट माइंडेड पीपल है, जो आर्ट लविंग पीपल है, इसको बहुत पसंद करते हैं। हिंदुस्तान से ज़्यादा इसकी लोकप्रियता बाहर की मुल्कों में है, इसलिए इसकी फ्यूचर बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर कथकली सारे विश्व में फेमस है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पर कथकली काफी फेमस है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशंस, कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग तरह का मेकअप काफी लोकप्रिय है। भारतीय माइथोलॉजी और भारत के कल्चर का समावेश कथकली में है। केरल के मंदिरों से कथकली की यात्रा शुरू हुई, जहां लोगों को अपने धर्म और इतिहास से परिचय करवाया जाता था। बदलते दौर के साथ कथकली आज एक डिफरेंट डांस फॉर्म में तब्दील हो चुका है।
केरला के एक महान कवि था श्री वल्लतोल नारायण मेनोन, इन्होंने कथकली फॉर्म को मॉडर्नाइज कर करके आज की रूप में लाया गया। कथकली मेनली टेम्पल आर्ट्स फॉर्म है, तो लेडीज लोग को हमेशा अंदर टेम्पल के अंदर जाके परफॉर्म कर सकता नहीं है। वन द सेकेंड वन इज एक फिजिकल एक्सरसाइज एंड द मार्शल आर्ट्स। कथकली एक टेम्पल आर्ट फॉर्म है, महिलाओं के लिए मंदिर में ये डांस परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसमें फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, जिसके कारण महिलाओं के लिए ये एक डिफ़िकल्ट डांस है। और साथ ही साथ कथकली पूरी रात परफॉर्म होने वाला नृत्य है। 6 घंटा 7 घंटा ऐसी कथकली के साथ तो जाना आना करने के में थोड़ा दिक्कत है। नाउ दिस इज कथकली द टाइम इज रिड्यूस्ड। लेकिन आजकल कथकली नृत्य को 2 से 3 घंटे तक छोटा करके परफॉर्म किया जाता है, जिसके कारण इसमें महिलाओं की रुचि बढ़ने लगी है। नॉट कंप्लीट नॉट थिएटर एज ए डांस डांस फॉर्म आल्सो है, तो इसलिए गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत आया हुआ है इसमें, तो वो भी परफॉर्म करते हैं हैप्पी मूड में। तो कथकली इंपॉर्टेंट देते हैं, कथकली सेंटर में भी 150 स्टूडेंट्स फीमेल मीन्स गर्ल्स स्टूडेंट्स है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जहाँ आज भारत ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वहीं केरल की इस प्राचीन कला को देखकर लगता है कि यहाँ के लोगों में अपनी संस्कृति और सभ्यता से कितना लगाव है। अपनी धरोहर को संजोए इस कला को पूरे विश्व से परिचय कराने में जुटे हैं। जरूरत है आज हमारी कला और संस्कृति को जिंदा रखने की, जिससे देश का गौरव और मान और भी ज्यादा बढ़े।